नमस्ते जी, कैसे सभी? बढ़िया, मस्त, मजे में। तो भाई साहब, कल ही मेरा 10 दिन का विपासना शिविर समाप्त होगा और इस वीडियो में मैं आपको धुल्ले धम्मा सरोवर के बारे में मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा, कुछ जानकारी शेयर करूंगा। अगर आप धुल्ले में विपासना मेडिटेशन करने 10 डेज का कोर्स करने आते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको मैं प्रॉपर यहाँ का भोजन कक्ष दिखाऊंगा, यहाँ की निवास व्यवस्था दिखाऊंगा, किस तरह से शून्यागार है। चलिए, भाई साहब, मैं यहाँ से आके हर रोज धम्मा सरोवर आता था। मैं हर रोज, मेरा यही मार्ग होता था, हर रोज मैं यहीं से जाता था और यहाँ पर मेरा निवास कक्ष था। और चलिए मैं आपको निवास कक्ष दिखाता, यहाँ के किस तरह के निवास कक्ष है। आपको लगेगा कि यार ये दान से चलने वाली चीज़ें है, यहाँ पर कोई चीज़ों के लिए पैसे नहीं लेते ये लोग। तो निवास स्थान की व्यवस्था कैसी होगी, गैर समझ दूर हुई, एकदम निवास कक्ष बघू। तो ये यहाँ के निवास कक्ष मुझे 24 नंबर का निवास स्थान मिला था। जैसे ही आप अंदर आएंगे आपको एक मतलब प्रॉपर कमरा मिलेगा, जहाँ पर एक पंखा होता है, लाइट होता है, प्लस यहाँ पर एक स्विच बोर्ड जहाँ पर आप प्लग इन वगैरह कर सकते हैं। हालांकि मोबाइल वगैरह ऑलो नहीं है, पर अंतिम दिन आपको चार्जिंग प्लग वगैरह करने के लिए मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, मतलब सोने के लिए बाथरूम टॉयलेट की व्यवस्था भी उत्तम है, देख सकते हैं आप, एवरीथिंग इज फाइन। एक और चीज, यहाँ पर आपको सोलार हीटर मिल जाएगा, मतलब गर्म पानी, ठंड के दिन गर्म पानी की व्यवस्था भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। माहौल वहाँ पर है और ऐसे इस पथ से चलकर आपको ये यहाँ पर शून्यागार मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक शून्यागार की एक झलकी दिखाता। अभी अंदर जाना ऑलो नहीं है मुझे, पर आपको एक आइडिया आ जाएगी क्या है एग्जैक्ट। बहुत से लोगों के मन में ये समस्या होगी यार कि ये 10 दिन रहना है तो किस तरह से हम रहे। मतलब एक बात बताता भाई, यहाँ का नेचर इतना खूबसूरत है, आपको कभी भी बेचैनी वगैरह कुछ भी फील नहीं होगी। मैं हर सुबह यहाँ पर आता था, आपको यहाँ पर सनराइज़ देखने के लिए मिल जाएगा और यही से आपको यहाँ पर सनसेट देखने के लिए मिल जाएगा। और मुझे बहुत ही आनंद हुआ था, मतलब हर 10 दिन मैंने एक बार भी सनराइज सनसेट मिस नहीं हुआ मेरे से। आनंद ही आनंद आता है भाई, एक बार ये शिविर का अनुभव करना बहुत ज़रूरी है, एक बार बिल्कुल आइएगा। ये है अंदर शून्यागार जाने के लिए रास्ता। शून्यागार की ये विशेषता ये है कि यहाँ पर आपके हृदय की धक धक भी सुनाई देगी, आपको घड़ाई मतलब जो घड़ी की टिक टिक है वो भी सुनाई देती है। पूरी तरह से शांतता का अनुभव आपको शून्यागार में मिल जाएगा। तो ये भी बहुत ही मतलब बढ़िया जगह है, मेरा एक्सपीरियंस तो बढ़िया रहा है यहाँ का। फिलहाल मैं शून्यागार के अंदर आपको जाके नहीं दिखा सकता, ये पक्षियों की आवाज़ आपने सुनी भाई साहब, सच बता रहा कि मन इतना प्रफुल्लित और मंगलित हो जाता है ये पक्षियों की आवाज़, मतलब एक सुकून देती है, मतलब आपको भी सुकून मिलेगा। तो बेस्ट है यार, मतलब एक बार लाइफ में ये एक्सपीरियंस लेना मस्ट है। चलिए मैं आपको आगे अभी धम्मा हॉल के बाहर के दर्शन दिखाता, प्लस भोजन कक्ष भी दिखाता। जैसे ही आप गेट के अंदर से एंट्री करेंगे, यहाँ पर आते ही आपको ये धम्मा हॉल मिल जाएगा। यहाँ पर धम्मा हॉल में हमें साधना, सामूहिक साधना यहाँ पर होती है। अनुमति ना होने के कारण मैं आपको अंदर के सीन दिखा नहीं सकता, पर एक बात बता रहा, अंदर जाते ही आपको ऐसी वाइब्रेशन आती है जो मेडिटेशन करने के लिए मोटिवेट करती है। तो बहुत ही मतलब बहुत ही सुपर वाला एक्सपीरियंस रहा मेरा। ये पेड़ पौधे, 10 दिन आप यहाँ पर रहते हो, हर मतलब मेरा अनुभव बता रहा कि मैं हर फूल के कलर देखता था, हर पत्तों के कलर देखता था, पूरा वातावरण जो बोलते हैं ना नैसर्गिक निसर्ग रम्य वातावरण आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पीछे मैंने वीडियो के अंदर
शिविर का एक वेलापत्रक आपको बताया, तो आप वीडियो को जस्ट पॉज करके वो पूरा मतलब जो दिनचर्या है वो पढ़ सकते हैं। तो धम्म हॉल से ये जो पूरा रास्ता है सीधा भोजन कक्ष के लिए जाता है, तो चलिए मैं आपको भोजनालय भी दिखाता। यहाँ पर भोजन कक्ष में आप देख सकते हैं तरह तरह की पार्टियां आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो महून करने में सहायक होती है। यहाँ पर लिखा होता है कि फक्त जुन्या साधकांसाठी। आपका मौन का पालन यहाँ पर प्रॉपर होता है, इसका कंसिडरेशन करते हुए ये पूरी डिज़ाइन यहाँ पर बनाई है। धम्म सरोवर ये जो विपासना का धुलिया का सेंटर है, यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों ही विपासना साधना करने के लिए आते हैं। एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर महिलाओं का और पुरुषों का कक्ष पूरी तरह से प्रॉपर सेपरेशन होता है, पालन नियमों का यहाँ पर किया जाता है। भोजन कक्ष के साइड में आपको आचार्य जी का निवास स्थान मिल जाएगा, और यहाँ पर महिलाओं को शून्यागार में जाने के लिए यहाँ से रास्ता जाता है। तो ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस है 10 दिनों का, मतलब बहुत ही उत्कृष्ट रहा। आप 10 दिन आना चाहते हैं, भोजन और निवास के बारे में मतलब विचार ही ना करें, अतिशय मतलब क्या बोलूं, उत्तम भोजन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, खाना भी बहुत स्वादिष्ट होता है। बाकी जो विपासना के बारे में जो जानकारी है मैं आपको और किसी वीडियो में बताऊंगा, कि वो वीडियो आप बिल्कुल देखिएगा, सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, थोड़ा सा अलग टाइप का कॉन्टेंट था, पर जब मैं इसके बारे में आपको पूरी प्रॉपर जानकारी दूंगा, फिलहाल मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता जहाँ पर आप प्रॉपर पढ़ सकते हैं, पर एक जानकारी वाला वीडियो अलग बनेगा ही। तो आपको मतलब यहाँ पर आके एक्सपीरियंस करके जो फील होता है वो मुझे चाहिए था, मतलब एक मेरा अनुभव के द्वार पर ये वीडियो भी मेरा एक प्रॉपर अनुभव होगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। ये तो मैं, बाय बाय, टेक केयर।